नगर परिषद हमीरपुर के अंतर्गत अवार्ड किए गए टेंडर का कार्य अगर 3 महीने के भीतर ठेकेदार शुरू नहीं करता है तो उसका टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। ये निर्णय सोमवार को नगर परिषद हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक के दौरान लिया गया। मासिक बैठक नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरीलाल ठाकुर सहित सभी वार्डों के पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हमीरपुर शहर में 30 लाख की लागत से 2 अत्याधुनिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट से जुड़े हुए मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। स्ट्रीट लाइट के बंद और शुरू होने की टाइमिंग में भी बदलाव को लेकर हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया। नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने बताया कि मासिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 18 विकास कार्यों के टेंडर हाल ही में नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से अवार्ड किए गए थे। उन्होंने बताया कि यदि 3 माह के भीतर इन कार्यों को ठेकेदार की तरफ से शुरू नहीं किया जाता है तो टेंडर कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर हाउस में विस्तृत चर्चा की गई और शाम 5:30 से सुबह 6:30 बजे तक स्ट्रीट लाइट ऑन करने का निर्णय लिया गया। जो नगर परिषद की मासिक बैठक थी उसमें हमारे मुख्य एजेंडा थे लाइट्स के बारे में, जो लाइट्स नहीं बढ़ रही उनके बारे में हमने डिटेल से मैं बात की, और अपने सफाई की व्यवस्था के बारे में बात की, और अपने क्या नाम विकास कार्यों के लिए चर्चा की गई। जो हमारे 18-19 काम वार्ड हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, अदरवाइज अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं काम करते तो उनके टेंडर रद्द किए जाएंगे या मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे जिन ठेकेदारों को हमने ये टेंडर अवार्ड किए हैं। बाकी हमारे जो शहर में 2 शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको मतलब हाईटेक बनाने के लिए 15-15 लाख का बजट पास किया गया। इसके अलावा अगर बात करें लाइट, लेकिन हमने दिसंबर महीने से पहले पहले नई लाइटों के लिए ऑर्डर कर दिए, 220 लाइट हमने नई लाइट उपलब्ध करवाई है, और जो हमारी पुरानी स्ट्रीट लाइट है जो नहीं बढ़ रही है उनको जल्द से जल्दी ठीक किया जाए। इसके बारे में हमारी जो लाइट का इंजीनियर है अभिमन्यु जी उनसे उनके साथ काफ़ी देर चर्चा हुई। लाइट्स की जो टाइमिंग है उसके लिए हमने ऑर्डर किया है कि 5:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे को और सुबह 6:30 बजे तक ऑन लाइट्स ऑन रहनी चाहिए। 11 के 11 वार्डों में ये सभी को ऑर्डर किए गए। बीपीएल का जो एजेंडा है, बीपीएल में हमें जो 2004 की जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हमें काम करना पड़ रहा है। 2004 में हमें 26,700 रुपये 5 मेंबर की जो इनकम दी गई थी उसके आधार पर ही बीपीएल परिवार में डाला जा रहा है। अभी तक 2021-22 साल तक यही चला हुआ है, लेकिन हम मतलब डिमांड कर रहे हैं कि इसमें जो मतलब नई नोटिफिकेशन दी जाए, जिन परिवार जो जिन घर में 3 मेंबर डिजर्व परिवार है या 2 मेंबर डिजर्व है वो, तो उनको बीपीएल परिवार में डाला जाए, और जो जिनका बीपीएल परिवारों ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए या जमा करवाए हुए हैं उनको 1 महीने का टाइम दिया गया कि जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाए, अदरवाइज उनका नाम काट दिया जाएगा। इस बारे में सर ऐसा है कि कहीं कहीं जो हमारी जो गलियाँ हैं वो काफ़ी क्लोज है, और उन गलियों में पाइपों का काफ़ी ज़्यादा झुंड बना हुआ है। आधी इंची की पाइप है जो लोगों ने एक पाइप डाली है उससे कनेक्शन लिए गए हैं। हम चाहते हैं कि उन जो आधी इंच की पाइप को उठाकर एक पाइप लंबी पाइप डाली जाए और लोग अपने घर घर से कनेक्शन अपने घर से सामने से कनेक्शन ले लें। तो रही पीडब्ल्यूडी की और आईपीएच के जो नालियां हैं उनको साफ सुथरा किया जाए। सीवरेज पर मुद्दा उठा था वार्ड नंबर 11 में, अभी तक सीवरेज का काम जो है वो कई जगह जो है नहीं हो पाया है, उसमें क्या एजेंडा रहेगा नगर परिषद का? सर इसमें तो हम आईपीएच को लेटर फॉरवर्ड करेंगे। तो पाइप्स जो सीवरेज की पाइप्स है वो हमारे पास मतलब शायद आईपीएच डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो पाइप जल्दी मंगवाई जाएंगी, और जो मतलब नी जहाँ जहाँ नी डालने दे रहे हैं सीवरेज तो वो तो मतलब लोगों की अपनी गलती है, क्योंकि लोग जगह देंगे तभी सीवरेज का काम सुचारू रूप से हो पाएगा। सर वो मॉडर्न टॉयलेट्स बढ़ रही हैं और उन टॉयलेट्सों में हमारा जो जितना भी सिस्टम है वो सेंसर सिस्टम होगा, और स्वच्छता के इसमें काफ़ी अच्छी मतलब उसमें लोकेशन वगैरह सब ठीक रहेगा। वो दोनों टॉयलेट्स मतलब काफ़ी स्वच्छ ढंग से मतलब बनाई जाएंगी, आधुनिक तरीके से बनाई जाएंगी। कितनी लागत इनमें आएगी और कहाँ कहाँ आपके सिचुएटेड रहेंगे ये? तुम सर लगभग इसके बाद कुछ
30 लाख के करीब लागत आ जाएगी, वो दो टाइप टॉयलेट्स बनाई जा रही। नगर परिषद हमीरपुर की बैठक में लगभग हर वार्ड में झूलों की मरम्मत तथा नए झूले लगवाने के मुद्दे पर भी प्रस्ताव रखे गए। इसके साथ ही नगर परिषद हमीरपुर के अंतर्गत जो विकास कार्य टेंडर में अवार्ड किए गए हैं उन्हें जल्द शुरू करने के लिए ठेकेदारों को नोटिस दिए जाने की मांग भी उठाई गई। साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर में सार्वजनिक स्थलों पर घरों और दुकानों में एकत्रित किए हुए कूड़े की छंटनी ना करने तथा इस पर कार्य को सुबह 9 बजे से पहले निपटाने का प्रस्ताव भी रखा गया।